वन मैन आर्मी के बारे में सुना है? वो अकेला ही फौज के बराबर है। चार साल के करियर में हीरोपंती के साथ शुरुआत करने वाले टाइगर श्रॉफ ने अपने अभिनय और नाच के साथ दर्शकों को प्रभावित कर दिया है। अगले दो साल के लिए अभिनेता के पास दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रैम्बो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, बागी 3 और ऋतिक के साथ अनटाइटल्ड फिल्म 3 शामिल है। यही नहीं, अभिनेता द्वारा हॉलीवुड फिल्म करने की अफवाहें सच साबित हुई हैं। सूत्रों ने खुलासा किया है कि मॉर्टल कॉम्बैट सीरीज के प्रोड्यूसर लॉरेंस कैसनॉफ ने मुंबई में एक सब अर्बन होटल में प्रोजेक्ट की चर्चा के लिए टाइगर से मुलाकात। टाइगर ने खुद ने भी अपने हॉलीवुड डेब्यू के बारे में मीडिया को बताते हुए कहा है कि उन्होंने अभी तक फिल्म साइन नहीं की है, लेकिन इस बारे में उनकी बातचीत जारी है और अभी से इसकी डिटेल्स देना जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन अगर सब चीज सही तरह से हो गई तो वो दिन दूर नहीं जब बी टाउन के एक और एक्टर हमारे देश को गर्व महसूस कराते नजर आएंगे। इस बीच पुनीत मल्होत्रा के द्वारा डायरेक्टेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर में टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे, जो 10 मई 2019 को रिलीज होगी। टाइगर को पहली बार तारा सुतारिया और चंकी पांडे की बेटी अनन्या के साथ रोमांस करते हुए देखा जाएगा।